हेलो व्यूवर्स, मैं साक्षी सचदेवा। आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल की आगे की जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारा शीट्स के बारे में। देखिए, हमारी स्टेटस बार से पहले ये स्क्रॉलिंग वाली टैब के साथ हमारे पास ये कुछ शीट्स आ जाती हैं। तो आज मैं बताती हूँ हम लोग इन शीट्स पे थोड़ा थोड़ा काम कैसे कर सकते हैं। कैसे मतलब थोड़ा काम का मतलब इन्फॉर्मेशन कि अगर मुझे इनका नाम चेंज करना हो, इन पे कोई प्रोटेक्शन लगानी हो, इनका कलर चेंज करना हो और इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस शीट पे मैं राइट क्लिक करती हूँ। यहाँ से होता है इंसर्ट करना। आपसे पूछेगा इंसर्ट क्या करना चाहते हैं आप, वर्कशीट करना चाहते हैं, चार्ट को करना चाहते हैं, या फिर आप एक्सेल मैक्रो को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप कोई अनदर फाइल को करना चाहते हैं, क्या चीज़। तो मुझे बोला मुझे तो सिर्फ अपनी एक एक्सेल की शीट ही इंसर्ट करनी है, आप वो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे शीट नंबर 8 से पहले शीट नंबर 17 आई है। हमेशा ध्यान रखिएगा आप जब शीट को इंसर्ट कर रहे हैं तो शीट हमेशा रिसेंटली जिस नंबर पे आप क्लिक कर रहे हैं उससे पहले शीट आएगी, उसके बाद में नहीं जाएगी। और शीट नंबर सीक्वेंस में आएगा, ना कि आपका 8 से पहले अगर 7 होता है तो वो 7 बनेगा। नो, आपकी यहाँ पे लास्ट शीट 16 नंबर पे थी, तो 16 के बाद एक नेक्स्ट सीक्वेंस जो बनेगी वो 17 आएगी, और आपका कर्सर शीट नंबर 8 पे था। तो शीट नंबर 8 से पहले आप जो शीट इंसर्ट करेंगे, आपके 16 शीट के बाद 17 नंबर आता है, तो वो 17 नंबर की शीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है शीट करंट शीट से पहले आएगी। ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ से आपसे कहेगा डिलीट करना। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके 17 वाली शीट को और डिलीट करती हूँ। आपसे देखो अब डिलीट हो चुकी है शीट, तो मैं फिर से एक इंसर्ट करती हूँ। तो मतलब अगर मेरी 17 वाली डिलीट हुई है तो अब सीक्वेंस में फिर से मेरे पास 17 आनी चाहिए। तो मैं क्लिक करती हूँ, अब आप देखेंगे शीट नंबर 18 आई है। दैट मीन्स 17 नंबर मेरी इस वर्कबुक में से परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल जेड करती हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कोई काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा हम लोग शीट को डिलीट करने से पहले एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि अगर आप शीट को डिलीट कर रहे हैं तो वो शीट आपके पास दोबारा नहीं आएगी। अगर फाइनली या उसके अंदर ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आपके यूज़ का है तो ही आप उसको डिलीट कीजिए, अदरवाइज़ वो शीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ और रीनेम। मुझे इस शीट का नाम चेंज करना है तो मैं राइट करके एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे शीट का नाम चेंज हो चुका है। इसी तरह से इस शीट को राइट क्लिक करके मैं नाम चेंज करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पर नाम चेंज कर सकती हूँ। फिर मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ, उसका नाम चेंज करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे, तो कुछ हम इस तरह से जो भी हमें मैटर चाहिए हम लोग वो यहाँ से बना सकते हैं। देखिए ठीक है, फिर होता है यहाँ से हाइड करना। देखिए INT वाली शीट को मैंने हाइड कर दिया है, अब मैं उसी को ही वापस अनहाइड करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट शीट पे आप क्लिक करके अनहाइड कर दीजिए। आपसे पूछेगा कौन सी वाली शीट को आप अनहाइड करना चाहते हैं। अगर आपने 10-12 शीट एक साथ हाइड करवा दी हैं और आप चाहते हैं उनमें से कोई एक शीट को आपको हाइड नहीं करना है तो आप उस पर सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है ये हमारे लिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर हमारा टैब का कलर लेना। मैं अभी रेड कलर चाहती हूँ। देखिए INT का जो बैक कलर है वो रेड हो चुका है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर चाहती हूँ। अब आप अबाउट अस पे देखेंगे जो टैप का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। कॉन्टेक्ट अस पे आप देखेंगे पर्पल शेड आ चुकी है। तो इस तरह से बहुत इजीली आप अपनी टैब्स का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए ठीक है,
बहुत इजी हो जाएगा आपको, आपको कंफर्म भी हो जाएगा। नाम से बहुत इजी हो जाता है आपको काम करना कि ये हमारे इस नाम की शीट है और यहाँ पे हमारा आईएनटी की पूरी इंट्रोडक्शन चल रही है और इस पे अबाउट अस के बारे में बताया जा रहा है। तो हमें जो भी फॉर्मेट बनाना है हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। और नेक्स्ट शीट पे कॉन्टेक्ट अस के बारे में बताया जा रहा है तो हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, इसके बाद होता है यहाँ पे मेरा सेलेक्ट ऑल शीट्स। यहाँ से मैं सारी शीट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकती हूँ, देखिए। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मेरा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ हम लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।